कनिका, कनिका आओ सिद्धार्थ, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर ही रही थी। माँ ऐसा क्या कहा तुमने? जो तुम सुनकर आ रहे हो, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं होगा। कौन है वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसके साथ तुम डेट पर जा रही हो? वही जिसे तुम गेस कर रहे हो। होश में तो हो तुम? जब होश में थी तब तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया, आज सीरियस हूँ तो कह रहे हो कि मैं होश में नहीं हूँ। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगा मैं, आज ही जाकर डैड को मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या बता दोगी तुम उन्हें कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ? वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे, और अगर यकीन कर भी लिया तो क्या होगा, वो सीधा जाकर देवदत्त अंकल को बता देंगे, उससे क्या होगा ये तो तुम भी जानते हो। पहले भी एक बार उनकी दोस्ती टूटते टूटते रह गई, लेकिन इस बार तो गारंटी टूट जाएगी। नो प्रॉब्लम, यू गो है, जा जाकर बता दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये क्या पागलपन है? हाँ चिल्लाओ मत, तमीज से बात करो, ये मत भूलो कि तुम अपनी होने वाली माँ से बात कर रहे हो। क्या बता दो कि तुमने कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ? पहले भी एक बार उनकी दोस्ती टूटते टूटते रह गई, लेकिन इस बार तो गारंटी टूट जाएगी। तमीज से बात कर, ये मत भूलो कि तुम अपनी होने वाली माँ से बात कर रहे हो। Yeah. अगर आज आप मेरे साथ नहीं आते तो न जाने मैं क्या कर बैठती। Really? लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आती। How can I refuse you? क्या ओकेजन क्या है? ओकेजन है ना आपका साथ। अच्छा खासा मजाक उड़ा लेती हो बूढ़े आदमी का। अरे आप बूढ़े कहाँ हैं? You are yet young at heart. कौन है? अरे ये क्या कर रही हो तुम? आज मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ अहम कॉल्स भी हो सकते हैं। आपके सारे ही कॉल्स अहम होते हैं, लेकिन आज मैं आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहती हूँ। ओके। स्वामी डैड घर पर है? वो तो बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? कुछ पता कर गए? वो तो पता नहीं, कनिका जी का फोन आते ही वो चले गए। क्या बता दो कि तुम पहले भी एक मैं उनसे शादी करना चाहती थी। चिल्लाओ लेकिन इस तमीज से गारंटी टूट जाए, ये मत भूलो कि तुम अपनी होने वाली माँ से बात कर रहे हो। कनिका के साथ? जी। बाबा, आप क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? सॉरी, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ डांसिंग विथ यू? गॉड, श्योर। तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे साड़ी का मुकाबला कोई भी डिजाइनर ड्रेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ। दुनिया की कोई भी औरत साड़ी में अच्छी लगती है। लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं? Of course. कितने कंजूस हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्स भी आपसे जबरदस्ती बुलवाने पड़ते हैं। आ...
I'm sorry. It's okay. अरे बेटी, क्या हुआ सिद्धार्थ को? कैसा है वो? बेहतर है। इमीडिएट रिलीफ के लिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है। स्वामी, तुमने माया को बुलाकर फिजूल में परेशान किया। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं सिद्धार्थ से मिलकर आती हूँ। वो सो रहा है। उसे आराम की जरूरत है। प्लीज उसे जगाना नहीं। माया, तुम तो जानती हो ना सिद्धार्थ की हार्ट कंडीशन के बारे में? जी, सिद्धार्थ ने बताया था। जरूर किसी स्ट्रेस की वजह से हुआ है ये। तुम्हें पता उसकी परेशानी की वजह क्या है? एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, पर आज शाम को जब वो मेरे साथ रेस्टोरेंट में था तो काफी परेशान लग रहा था। शायद कुछ कहना चाह रहा था और कह नहीं पाया। आई डोंट नो। घर पर आए तब भी परेशान थे। उन्होंने पापा के बारे में पूछा तो मैंने कहा। पापा को इन्फॉर्म किया? दो बार किया मगर वो उठा नहीं रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी ही सेटल हो जाऊं, किसी अच्छे इंडियन लड़के से शादी कर लूं। क्या ख्याल है आपका? अरे बहुत ही नेक ख्याल है। ऐसा करो, तुम लड़का तलाश करो, मैं रिश्ता करवा दूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, मैं यहाँ किसी अच्छे इंडियन लड़के को जानती नहीं हूँ। आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुड, तो अब आप मेरे दोस्त, फिलोसोफर, गाइड सब हैं। यही मौका है मुझे आपको समझने का। हाँ, क्यों नहीं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। हाँ, कहो। कुछ ही दिनों में आपके बेटे की शादी होने वाली है। वो अपनी नई दुनिया बसाने वाला है। आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। आपको नहीं लगता आपको शादी करनी चाहिए? क्या हुआ? आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? शादी के लिए भी कोई उम्र होनी चाहिए? दोस्ती मायने नहीं रखती। यूएस में तो ऐसा ही होता है। देखो, ये यूएस नहीं है, ये इंडिया है। और यहां शादी दोस्ती के साथ साथ कमिटमेंट भी हुआ करती है। और फिर हर एक बात का अपना अपना वक्त भी होता है ना? आपसे शादी तो मैं करके ही रहूंगी, बस मुझे सही वक्त और मौके की तलाश है। अरे, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, वो सिद्धार्थ की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या हुआ उसे? बेहोश हो गया था पापा, शायद किसी स्ट्रेस की वजह से। वो हल्का सा दौरा था पापा, पर देवदत्त अंकल देखकर गए एंड सिद्धार्थ इज मच बेटर। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? हम सब आपका मोबाइल ट्राई कर रहे थे पापा, पर स्विच ऑफ आ रहा था। पापा, सिद्धार्थ सो रहा है पापा, और देवदत्त अंकल ने जगाने के लिए मना किया है। जरूर कोई बात से परेशान होगा वो। जब परेशान हो जाता है तब शायद तुम्हें पता नहीं बेटे, लेकिन सिद्धार्थ को बचपन से ही सिद्धार्थ ने बताया मुझे। पापा, हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी खूबियों और खामियों के साथ प्यार करते हैं। और एक बात बताऊं आपको, सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपना दिल कमजोर कर लिया है ताकि मैं उससे ज्यादा प्यार करूं। तुम परी पापा, सिद्धार्थ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तुम्हारे होने वाले पति का नहीं, अपने बेटे का तो मुंह देख लो।
हूं और जगाऊंगा नहीं। बेटा सिद्धार्थ, किस बात से परेशान हो? और मैं जो हूं ना, तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं हूं ना। अरे बेटा, तुम ही तो मकसद हो मेरे जीने का, और अब सिर्फ मेरी ही नहीं, माया की जिंदगी में भी तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। यादे विसर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यादे विसर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये मंत्र जाप कौन कर रहा है? माया बेटी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये कौन से मंत्र का जाप कर रही हो तुम? कहते हैं इस मंत्र का जाप करने से घर पे आने वाली सारी बलाएं टल जाती है। आप आरती लीजिए। पापा, आरती लीजिए ना। आरती लीजिए ना पापा। बेटे, ये पूजा आरती इतनी रात गए? इस मंत्र का जाप तो किसी भी समय कर सकते हैं, और मैंने सुना है कि इस मंत्र का जाप करने से सारी बलाएं टल जाती हैं। आप देखिएगा, सिद्धार्थ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, मीरा, पता है कल क्या हुआ? माया बिल्कुल तुम्हारी तरह जाप कर रही थी।
एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि माया माया नहीं है, तुम्हारी स्वरूप है। मीरा, आज सालों बाद यह घर मुझे घर लगा। काश आज तुम होती तो तुम्हें भी माया बहुत बहुत अच्छी लगती, बहुत पसंद आती। क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी यार। सिद्धार्थ, कम ऑन, तुम भी ना। तुम भी क्या? अरे तुम हो इतनी खूबसूरत, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे दूसरे कान का बूंदा कहाँ है? कल रात तुम्हारे बारे में सुनकर मैं जल्दी जल्दी घर से निकली ना, तो शायद दूसरे कान में पहनना ही भूल गई। ठीक कहा था मैंने, तुम हर पल मेरे बारे में सोचती रहती और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm all right. Yes, तुम ऐसे ही ठीक रहा करो सिद्धार्थ। कॉफी बनाओ। हाँ, नॉट ए बैड आइडिया। तुम फ्रेश हो जाओगे। ओके। माया बेटी। जी पापा। क्या कर रहे थे तुम? सिद्धार्थ के लिए कॉफी बनाने जा रही थी। अच्छा। बेटे ये बुंदा तुम्हारा है?